बाबू जी माने की जिंदाबाद 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 जय भीम 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 जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी की दाम के नीचे राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर 2 अगस्त को कल संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं, संविधान को फाड़ा जाता है। कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा? उन देशद्रोहियों ने ये काम करके अपनी कमर खोद ली है। देवाशीष जी, जो कल जंतर मंतर पे संविधान जलाया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पे आप है, यहाँ पे थाने में आए हैं, तो आप बताइए कि इसके बारे में क्या राय है यहाँ पे? देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग आए, कल संज्ञान में हमारे ये मामला आया, कल रात को हम लोगों ने एसएचओ साहब से बात की कि इस तरीके की घटना आपके वारदात आपके पार्लियामेंट स्ट्रीट के जस्ट थाने के सामने हुई है, और वहाँ सैकड़ों की तादाद में पुलिस अधिकारी मौजूद थे। उनके सामने भी कोई देश का संविधान जला के चलाया जाता है और बकायदा सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रहा है, पोस्ट डल रहे हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ हो रहा है, तो ये अति चिंता का विषय था। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे संज्ञान में ये मामला है नहीं, तो हमने कहा आप संज्ञान में इस मामले को लीजिए, सुबह आके हम इस पर FIR दर्ज कराएंगे। सुबह हमने FIR के लिए बोला, काफ़ी सारे साथी यहाँ पर आए। अभी हम लोगों ने DCP साहब को मिलके, जो अनिल तंवर भाई हैं, उनके नाम पर बिहार पर हम लोगों ने एक कंप्लेंट दे दी है, और कंप्लेंट वो ले ली गई है, और ये बोला गया है कि हम इस पर जल्द से जल्द और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उस पर कड़ी कार्रवाई मुहैया वो करेंगे, और साथ में जो सबूत है हम लोगों ने जो प्रेस रिलीज हुई है और जो वीडियो फुटेज वगैरह है वो हम सब लोगों ने उनको दे दी है, और हमें लगता है कि इस पर जो शासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो जल्दी कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई में जरा सी भी ढील कोताही बरती जाती है तो इस मामला बहुत ज़्यादा गर्म है, और इस पर एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में किया जाएगा।